बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा को सशक्त करने की जरूरत है। कुछ शक्तियां बीजेपी से अनुसूचित जाति को अलग करने की साजिश कर रही हैं। बीजेपी एससी मोर्चा कार्य समिति की बैठक में ये बातें कही गई। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने कहा कि झारखंड सरकार में एससी एसटी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आंकड़े चिंताजनक है। अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रांची के हरमू स्थित एक बैंक्वेट हॉल में हुई। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसका उद्घाटन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उद्घाटन सत्र में झारखंड में अनुसूचित जाति के साथ हो रही अन्यायपूर्ण घटनाओं की चर्चा की गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दलितों को बीजेपी से अलग करने की साजिश चल रही है, इसलिए मोर्चा के समक्ष चुनौतियां भी है और संगठित करने का दायित्व भी। से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, तो इस लोकतंत्र को बचाए रखना, बनाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और लोकतंत्र रहेगी तभी हमारे जैसा व्यक्ति, कोई विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री या आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तभी यह संभव हो सकता है। तो इसलिए आज की जरूरत है कि दलित मोर्चा को मजबूत करना। बीजेपी एससी मोर्चा के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से सदस्य पहुंचे। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। झारखंड में अनुसूचित जाति समाज के साथ हो रही सरकार के स्तर से अन्यायपूर्ण नीति पर चर्चा हुई। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद सिंह आर्या ने कहा कि सरकार को हम चैन से नहीं रहने देंगे। अगर यह सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो बैठक में आगे के कार्यक्रम पर भी रूपरेखा तय होगी। सरकार के एक साल या 14 महीने के कार्यकाल में जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं, बड़ी संख्या में एससी एसटी की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, अपराधी घूम रहे खुलेआम, उन पर रोक नहीं लग पा रही है, भूखों लोग मर रहे हैं, सरकार सोई हुई है, उसको जगाने का काम प्रतिपक्ष का है। और सरकार पार्टी और मोर्चा पूरी ताकत के साथ एक ईमानदार प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होना चाहिए वो झारखंड के अंदर कर रही है। हम सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे, या तो सरकार लाइन पे आए और नहीं तो चैन से नहीं बैठने देंगे। किया है और हम सब लोग जिस तरह से ये वर्ग डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को महामानव और पूजनीय मानता है, उनके साथ जिस तरह से कांग्रेस ने अन्याय और जिस तरह से उनको जो उनका मान मिलना चाहिए था उसको दरकिनार किया है। भारतीय जनता पार्टी जो सच का, मैं कह सकता हूँ कि सच का साथ देकर सच का सामना करवा रही है और अपने कार्यकर्ताओं को इस पार्टी के साथ जोड़ करके इस बड़े विमर्श जो झारखंड के अंदर 44 लाख से ज्यादा की आबादी 2011 के सेंसस में है। 29 जनवरी को भी कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन नवल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट।